आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सभी यहाँ पर इस दिल्ली की धरती पर जहां पर पर्यावरण की बात जब होती है तो सबसे ज्यादा पर्यावरण अगर कहीं पर होता है तो दिल्ली में होता है। और उस धरती पर बैठकर और पर्यावरण की चिंता और पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आप सभी को यहाँ पर उपस्थित हुए समय निकालकर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही सभी हमारे जो आयोजक हैं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर रखा और सबको आमंत्रित किया और उसमें मुझे भी जहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है और पर्यावरण के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी, बलिदान दिया। और जो हमारी खेजड़ी है, हमारी तुलसी है, उस खेजड़ी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, गला और शरीर धड़ अलग करवा दिया लेकिन खेजड़ी को नहीं कटने दिया। ऐसे पर्यावरण प्रेमी हमारे समाज के बंधु यहाँ पर बैठकर पूरे देश को नहीं, राजधानी के अंदर बैठे लोगों को नहीं, ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज यहाँ से संदेश जा रहा है कि हमारे उन पूर्वजों ने इस तुलसी जो हम मानते हैं हमारी जो खेजड़ी है उसके लिए गर्दन कटा दी, उन्होंने अपनी जान दे दी। इससे ज्यादा मैं सोचता हूँ कि पर्यावरण के लिए बिश्नोई समाज से बड़ा कोई पर्यावरण प्रेमी इस दुनिया में कोई नहीं। और पर्यावरण की दृष्टि से हो चाहे जीव प्रेमी हो, आज हम सब देखते हैं कि जीव प्रेम की भी बात आती है तो सबसे पहले बिश्नोई समाज का नाम आता है। और वास्तव में प्रसन्नता होती है कि हमारे समाज की आज सिर्फ नाम यहां पर नहीं पूरे देश में ही विश्व के अंदर जहां भी नाम आता है तो बिश्नोई समाज का नाम आता है। तो ये एक बहुत ही दुनिया को संदेश देने का जो काम कर रहा है वो बिश्नोई समाज कर रहा है। और मुझे लगता है कि जंगेश्वर भगवान ने हमें जो 29 नियम दिए उन नियमों का ही हमारा ये परिणाम है। उनके द्वारा दिए गए संदेश और उनके वजह से हमने उनके संदेशों को स्वीकार किया, उनके 29 नियमों का पालन किया, उसी की वजह से हम ये सारे जो पर्यावरण जीव प्रेम है या किसी प्रकार के जो चाहे झूठ कपट उन सब से हम दूर रहने का जो हमें संदेश दिया है और उनको नियमों को जो 29 का पालन करते हैं, वास्तविकता में तो 29 नियमों का जो पालन करे वही सच्चा बिश्नोई है। मैं आपको कहना चाहूंगा वास्तव में बिश्नोई समाज के 29 नियमों का पालन करते भी है। और आज मुझे लगता है कि कुछ मेरे भाई है जो उस नियमों को छोड़ कर शायद लगता है कि उनको नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं जब छोटा था मैंने बहुत नजदीक से और मेरे गांव में बिश्नोई समाज के लोग बहुत रहते हैं और मेरे घर पर ही मेरे बापर रहते थे, मेरे परिवार जैसे ही है वो, क्योंकि घर पर ही रहते थे, किराए पर रहते थे मेरे भाई, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि वो किस तरह से अगर खाना बनाना होता तो भी सुबह कितने बजे उठना, 5, 6, 4 बजे जो उठना और उठकर नहाना चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। आज सुबह उठना जल्दी और 5 बजे सर्दी के अंदर भी नहाना, उसकी वजह से बिश्नोई समाज का नाम भी हम तो कई बार इस तरह से प्रेम से कहते हैं कि सलानिया है ना, वो किस लिए नाम पड़ा, इसलिए कि सुबह 4 बजे जो हमारी उठकर हम नहाने का काम करते हैं और उसके बाद में सबसे पहले नहाना उसके बाद में दूसरे कार्य हम प्रारंभ करते हैं। ऐसे हमारे कई बुजुर्ग हैं
परिवार के और एक ही वंश के हम सब लोग हैं। और दूसरा मेरा एक और संबंध है कि मैं जसनाथी हूं, मैं जसनाथी की पूजा करने वाला, जसनाथी का संप्रदाय को मानने वाला, आप जम्बेश्वर भगवान जी को मानने वाले। जाम्बे जी, जाम्बेश्वर भगवान और जसनाथ जी दोनों गुरु भाई थे, गोरखनाथ जी और दोनों गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जम्बेश्वर भगवान भी गोरखनाथ जी के शिष्य थे और उसी समकक्ष उसी काल में थे जसनाथ जी महाराज, अड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, ये सभी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और जसनाथ जी ने भी 36 नियमों का पालन करने के लिए कहा था, जिस तरह से उन
देव देव देवता वही होता है जो देता है, हमेशा देवता लेता कुछ नहीं है, देता है। इस दुनिया में एक तो देव लोग होते हैं, देव वृत्ति के लोग होते हैं, और एक राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि सामने वालों को कैसे परेशान करें, कैसे प्रताड़ित करें, कैसे उसको परेशान करें। और ये आज से नहीं, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई तब से देवता और दानवों के बीच में संघर्ष चला है। देवता और दानव जो जिस तरह से हैं, आपने सुना होगा जब रामायण काल था, महाभारत काल के अंदर भी दानव आते थे और वो हमला करते थे, और वो यज्ञ के अंदर, और हमने कई बार देखा भी है कि यज्ञ को किस तरह से अपवित्र करने का काम करते थे, वो देवताओं को परेशान करते थे। लेकिन अंत में जीत हमेशा देवताओं की हुई है, दानवों का हमेशा अंत हुआ है, ये तय है। इसलिए आप जो काम कर रहे हो एक पवित्र काम कर रहे हो, देवता का जो काम कर रहे हो, देवता कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि भगवान हर घर घर में भगवान ने कहा है, हर इंसान के अंदर होता है तो वो एक देवता का रूप होता है। अगर अच्छा काम करता है तो उसको कहते हैं कि देव देव पुरुष है, ये अच्छा आदमी है, और जो बुराई का काम करता है उसको अपन उसी जगह पर कहते हैं कि ये तो एक बुरा आदमी है, कपटी आदमी है, या जो भी बुरे से बुरा शब्द कहते हैं। और आदमी का पता कब चलता है कि अच्छा है बुरा है, कोई मन में सोच ले कि मैं अच्छा हूं, उससे अच्छा नहीं होता, कोई मन में सोच ले